सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिला अंतर्गत गढ़वा थाना के ही फरेठिया मोड़ पर पिछले 4 नवंबर को दिन दहाड़े हसीब खान की हत्या मामले का पुलिस ने पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया है। हत्या की योजना जेल में बंद कुख्यात अपराधी छोटू रंगसाज के इशारे पर उसकी पत्नी सलमा खातून द्वारा बनाई गई। हसीब खान की पत्नी नफीसा बीबी के लिखित प्रतिवेदन पर कांड अनुसंधान में जो तथ्य उभर कर सामने आए हैं उसके मुताबिक हत्या का कारण गवाही का मैनेज करने और नहीं करने पर पेशेवर शूटरों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें शामिल असगर अंसारी, हाफिज मुख्तार अहमद एवं सलमा खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज प्रेस वार्ता में जिला पुलिस कप्तान अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि हत्याकांड को अंजाम कुख्यात शूटर साबिर अंसारी और मिंटू रंगसाज ने ही दिया था। इनके अलावे जलालुद्दीन अंसारी और श्यामराज शर्मा की भी कांड में संलिप्तता पाई गई है। एसपी श्री सिन्हा ने आगे बताया कि गिरफ्तार अपराधी असगर अंसारी और हाफिज मुख्तार अहमद ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। यह हत्या इकरार हत्याकांड में हसीब खान की गवाही देने से मना करने के बावजूद गवाही देने को लेकर ही की गई थी। इकरार की हत्या में हसीब खान की गवाही बीते 6 नवंबर को निर्धारित थी और इसकी पूरी योजना के तहत 4 नवंबर को हसीब खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई।